भारत का एक ऐसा किला जहाँ पर भूतों के अलावा कोई भी नहीं रहता। अक्सर लोग इस किले के पास से गायब हो जाया करते हैं। अगर रात के समय कोई इसके अंदर गया, या तो वो पागल हो जाता है या फिर उसकी मौत हो जाती है। इसके पास से निकलने वाले लोगों को भूतों की परछाइयाँ और उनके चिल्लाने की डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। जहाँ तक कि दिन के समय इसके पास से गुजरने वाले लोगों को ऐसा लगता है मानो उनका कोई पीछा कर रहा हो, लेकिन पीछे मुड़ने पर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। हेलो दोस्तों, तो आज हम आपको भारत की सबसे डरावनी जगह भानगढ़ किले के बारे में बताने वाले हैं, जहां पर अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। जब आप पहली बार राजस्थान के अलवर जिले में मौजूद भानगढ़ किले को घूमने जाते हो तो आपको इसके बाहर एक बड़ा सा बोर्ड दिखाई देगा, जिस पर साफ साफ अक्षरों में लिखा रहता है कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद किले के अंदर जाना सख्त मना है। जहाँ तक इस किले के चारों ओर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम भी रहती है, जो कि इस किले की देखभाल करने के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखती है कि कहीं इस किले के अंदर कोई रुक तो नहीं गया। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या इस किले में सच में भूत रहते हैं, और क्या रात में इस किले के अंदर जाने के बाद सच में लोग गायब हो जाया करते हैं, और ऐसा नहीं होता तो फिर इस बोर्ड को लगाने का क्या मतलब है। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। इस किले के भूता होने के बारे में बहुत सी कहानियां मशहूर हैं, जिनमें से दो कहानियां ऐसी हैं जिन पर लोग सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। सबसे पहली कहानी है राजकुमारी रत्नावती की। माना जाता है कि इस किले में रत्नावती नाम की एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी रहा करती थी, जिसकी सुंदरता के चर्चे चारों तरफ मशहूर थे। इस राज्य में सिंधिया नाम का एक तांत्रिक भी रहा करता था। जब पहली बार तांत्रिक ने राजकुमारी को देखा तो उनकी सुंदरता को देखकर वो तांत्रिक उनके प्यार में पागल हो गया और राजकुमारी को किसी भी कीमत पर पाना चाहता था, लेकिन ऐसा संभव नहीं था, जिसकी वजह से तांत्रिक राजकुमारी को पाने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाने लगा। जब एक बार तांत्रिक ने राजकुमारी की दासी को उनके श्रृंगार के लिए बाजार से तेल लेने आते हुए देखा तो तांत्रिक ने मौके का फायदा उठाया और मौका मिलते ही उस तेल को सम्मोहित कर दिया, ताकि जैसे ही राजकुमारी इस तेल को लगाए वो सम्मोहित होकर उसके पास चली आए। लेकिन ऐसा माना जाता है कि राजकुमारी इस विद्या के बारे में पहले से ही जानती थी, इसलिए जैसे ही राजकुमारी ने इस तेल को देखा वो समझ गई कि इस तेल पर कोई तंत्र विद्या की गई है। इसलिए राजकुमारी ने दासी से उस तेल को फेंक देने को कहा। दासी ने उस तेल को एक पत्थर पर फेंक दिया। तांत्रिक ने तेल पर इतनी भयंकर तंत्र विद्या कर रखी थी कि वो पत्थर तक सम्मोहित हो गया और तांत्रिक की ओर बढ़ने लगा और उसे कुचल डाला। लेकिन उस तांत्रिक ने मरने से पहले इस किले को श्राप दिया और कहा कि ये किला पूरी तरह से तबाह हो जाएगा और इसमें रहने वाले सभी लोग बेमौत मारे जाएंगे और उनकी आत्मा हमेशा के लिए भटकती रहेगी। माना जाता है कि इस घटना के कुछ ही समय के बाद भानगढ़ और पास के एक राज्य अजबगढ़ के बीच युद्ध छिड़ गया, और ऐसा माना जाता है कि अजबगढ़ की सेना काफी ज्यादा शक्तिशाली थी, जिसकी वजह से वे इस किले के अंदर घुस गए और इस किले को पूरी तरह से तबाह करने के साथ साथ इस किले में रहने वाले स्त्री पुरुषों और बच्चों तक को मार डाला, जहाँ तक कि राजकुमारी रत्नावती भी नहीं बच पाई। इस भयंकर कत्लेआम के बाद ये किला श्रापित हो गया और इस किले के और पास रहने वाले लोगों के मन में ये डर घुस गया कि उस नरसंहार में मारे गए लोगों की आत्माएं आज भी इस किले में भटकती रहती हैं। यहाँ तक कि रात के समय लोगों को इस महल के अंदर से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी थी और इसके पास से गुजरने वाले लोगों की अचानक ही गायब होने की आद से बढ़ने लगे। इन घटनाओं की वजह से लोगों ने अपने घरों को इस किले से दूर बनाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि इस महल में और इसके पास आना जाना भी बंद कर दिया, और धीरे धीरे ये किला और इसके आसपास का इलाका भूता और डरावने खंडरों में तब्दील हो गया। इस किले के भूता होने की दूसरी कहानी है तपस्वी बालूनाथ। इस किले को आमेर के राजा भगवंत दास ने 1583 में बनवाया था। इस किले को बनवाने से पहले भगवंत दास को तपस्वी बालूनाथ से अनुमति लेनी पड़ी थी, क्योंकि उनका तपस्वी स्थल जहाँ वे तपस्या किया करते थे वो इस किले के पास ही बना हुआ था। तपस्वी बालूनाथ ने भानगढ़ किले को सिर्फ एक ही शर्त पर बनने की अनुमति दी कि किले की परछाई कभी भी मेरे तपस्वी स्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। भगवंत दास ने इस बात का ध्यान रखा और किले को बनवा दिया, लेकिन इसके वंशजों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और इस किले को और भी ऊंचा बनवा दिया, जिससे किले की परछाई बालूनाथ के तपस्वी स्थल तक पहुंच गई, और उस परछाई को देखते ही बाबा बालूनाथ काफी ज्यादा क्रोधित हो गए और गुस्से में उन्होंने श्राप दिया कि भानगढ़ पूरी तरह से
तबाह हो जाएगा। बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि इस किले की ये हालत तपस्वी बालूनाथ के श्राप की वजह से ही हुई है। वहाँ के लोगों की माने तो तपस्वी बालूनाथ के श्राप के बाद जब भी वहाँ पर कोई घर बनाया गया तो वो घर या तो गिर जाता या उसे बनाने वालों के साथ कोई बड़ा हादसा हो जाता। लेकिन दोस्तों, इस किले की सबसे अजीब बात ये है कि इस दुनिया में जितने भी राजा महाराजा हुए उनके इतिहास लिखे गए, जिससे ये जानकारी मिलती है कि उस राजा और उस महल पर कब और कैसे आक्रमण हुआ। लेकिन ये एक ऐसा रहस्यमयी किला है जिसके इतिहास के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिलती, इसे पता चल सके कि आखिर इस बाणगढ़ किले के साथ ऐसा क्या हुआ जिससे ये खंडर बन गया। जहाँ तक कि भारतीय पुरातत्व विभाग भी इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भारत सरकार ने फिर इस बोर्ड को यहाँ पर क्यों लगाया। ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि लोगों के साथ जितने भी पैरानॉर्मल या फिर अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थीं, वे सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले देखने को मिली। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने लोगों की सेफ्टी के चलते इस बोर्ड को यहाँ पर लगाया। तो दोस्तों, आप इस किले के बारे में क्या सोचते हो और क्या आप कभी भानगढ़ किला घूमने गए हो, कॉमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना। और आप हमारे इन वीडियोज को भी चेकआउट कर सकते हो जो कि काफी इन्फॉर्मेटिव हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।